दांत तो खिले हैं राहुल, इतने नुकीले दांत ना ओला बब्बे के नहीं थे। ये देखो सोमरसॉल्ट कर रही है, क्या कर रही है ये सोमरसॉल्ट कर रही है। ये पता कितनी बड़ी होगी भालू, पर मेरा भालू 6 महीने का। देखो वो देखो जोई को, देखो राहुल जोई को देखो, इसको ना जे की पड़ी है सिर्फ। देखो सच सच वो मेरे बाप। हां जी आ जाओ, तू गिर जाएगा। ये ना मुझे लगता है मेलो ड्रामेटिक है, बहुत ज्यादा ड्रामेबाज। तू मूवीज में जाएगा क्या मेरे भाई? बब्बू तू रहने दे, मैं आया ना तो इतनी जल्दी नहीं तेरी, इतनी जल्दी अबे घूम के तो आओ यार। गाइस सुबह के बज गए हैं 11:20 और मुझे जाना है मन्नी के साथ शिवाय की दवाई लेने, और मन्नी ये बैठी हुई है आपको दिख रही है, ये रहा शिबिया। क्या देखी जा रही है? मैंने डॉगी रिटर, इसको आवाजें आ रही है। बोलो मेरे पास सेट सेट बैठ जा। तू सुनती नहीं मेरी बेगबा है बुखी, खबरदार माना मेरे घर की लड़की को, तो खबरदार सॉरी बोलो। सॉरी ठीक है ना, बहुत कुछ है इनसे तुम्हारा, घर की लक्ष्मी आई है। सॉरी तो मम्मी का एप्पल खिला दो छीन के। लक्ष्मी इसका मतलब नहीं मेरा एप्पल खा लेगी, और लक्ष्मी को जूठा नहीं खिलाते नया कटोरा। कभी ना मैंने दोगली बात। और मैं जा रहा हूँ ऊपर, ये देखो टाइम, और इनका खाना हो गया, और खाने के साथ इनको घुमाना बहुत जरूरी है, तो मैं अभी जा रहा हूँ इनको घुमाने। और बस क्या हुआ क्या हुआ? खाना खा लिया है, ये देख लो आप, खाना खा लिया ना, बड़ा बुरा हाल किया है तुमने ऊपर। बस अब इनको घुमाते हैं जल्दी जल्दी, और फिर मन्नी के साथ जाते हैं शिवाई की दवाई लेके आते हैं, बहुत ज़रूरी है वो। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हो रहा है थोड़ा सा लेट स्टार्ट, थोड़ा नहीं कहूँगी काफ़ी लेट स्टार्ट, और आज ना मंडे है, ऑफिस का बहुत काम था, और दिन भी ना थोड़ा पता नहीं कैसे बीत गया। शिवाय रात को ना 3 बजे उठ के बैठ गया था, सुबह 7 बजे स्कूल टाइम होता है, और पूरी रात हम इसी उसमें जूझते रहे कि किसी तरह सो जाए नहीं तो स्कूल में तंग करेगा, तो उस चक्कर में ना मेंटल प्रेशर में पूरी रात दी थी तो नींद तो आई नहीं, तो अब हम सुबह से ही ना ऐसे उसे हो रहे हैं। और मैं आप बाहर खड़े होकर व्लॉग बना रही थी तो जोई सोई पड़ी थी अंदर, दरवाज़ा खोल के ना अपने आप ही बाहर आ गई है। जो जो अंदर से पानी पी रही है सीढ़ियों से, क्या बात है, अंदर पानी नहीं पड़ा तेरा, बाहर नहीं जाना जोई, देखो इसको लड़की को बड़ी होती जा रही है, अकल आ नहीं रही इसको, है जोई अंदर चलो। क्या हुआ जो को, जो को प्यार चाहिए, दोई को प्यार चाहिए। और देखती हूँ मैं ओला बब्बे क्या कर रहे हैं ऊपर, वो देखो ऊपर से मुझे देख रही है, ये सारा दिन ना ऐसी बैठी देखती रहती है। हेलो, तो यहाँ पे दो बच्चे आए हैं, मेरा नाम बढ़िया, कौन हो आप? मैं थैंक यू, क्या नाम है? सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तो लेडी वाली ना ऊपर से सारा दिन ऐसे बैठी रहती है, सारा दिन ऐसे आंटी टाइप, जब भी कोई हमारे घर के आगे से गुजरे ना तो आप जरूर देखना लेडी वाली आपको गली की आंटी ऐसी मिल रही है, जनानी सी। ओए क्या देख रही है? ये तो वहां ना चमेली बैठी हुई है, और जोई ना जबरदस्ती यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ गई, मैं चमेली से मिलने जा रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, ये मेरे पीछे पीछे आ गई है। अंदर चल, तो इसका ना मैं पट्टे से पकड़ के अंदर कर रही हूँ क्योंकि ट्रैफिक चलता है इस रोड पे, और कभी इसको ना कोई गलती से हिट कर जाए। इधर हो जा, चुपचाप बैठी है यहाँ पे, अंदर चल। ये ना इस टाइम पे बाहर आ जाती है, इसको लगता है कि जे आने वाला है, और यहाँ बैठ के शुशु करना शुरू कर दिया इसने, शुक्र इतनी अकल आ गई है कि बाहर आके शुशु करना अंदर नहीं करना। गुड गर्ल जोई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो यहाँ से ना साफ करना आसान रहता है, हम ना वाइपर मार देते अपने आप साफ हो जाता है, तो इस टाइम ये बाहर आके बैठ जाती है, इसको पता होता है कि ये टाइम ना जे के आने का है स्कूल से, मतलब नानी हाउस से, तो ये बाहर आ जाती है ढूंढने जेजू को। तो गाइस यहाँ पे ये नहीं चमेली, और ये सारा दिन ना आजकल ठंडी रेत पे बैठी रहती है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा टाइम पास आया हुआ है डिलीवरी का, तो कोई नहीं हम हैं इसके साथ, देखते हैं कैसे करते हैं। मुझे बस ये चिंता हो रही है इसके बच्चों का क्या होगा, और इतने दिन कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी कोशिश हम अपनी तरफ से पूरी करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आप लोगों से भी मदद मांगेंगे। आज हमने, मैंने आपको बताया लेट व्लॉग स्टार्ट किया है,
और यहाँ पे मोटे को देखो कलर करा के आया है, बाल कटा के आया है, सोना बाबा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। तो राहुल का ना एक फ्रेंड है, वो चश्मे बनाते हैं बहुत अच्छे, तो उसने ना हमारे चश्मे बनाए बड़े सस्ते में। तो मेरे तो दो नए चश्मे मेरे, और ये जो आपने पहने ये पुराने नए हैं? नया नहीं है, पुराना पुराना है। तो हम आपको दिखाएंगे जब भी मैं पहनूंगी नया चश्मा, आप बताना आपको कैसा लगा। बड़ा पक्का फ्रेम है और बहुत मतलब रीजनेबल बनाया है, मतलब मार्केट में इससे सस्ता मैंने तो कभी नहीं खरीदा। आज हमारा लेग डे है जिम के अंदर, और राहुल ना क्या नासुक पोस्चर है राहुल के स्पॉट्स का, वेरी नाइस राहुल, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, एस आउट, वेरी नाइस। तो गाइस शाम का जिम करने के बाद हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पे फिर वही ड्रामा स्टार्ट। इसको क्यों तुम बिगाड़ रहे हो यार, सोफे पे क्यों बिठा रहे हो? मैं बिगाड़ नहीं रहा, मैं वो दिखा रहा हूँ, इसकी लेंथ देख बढ़ गई है। तो वो तो वैसे भी दिख जाएगी लेंथ, से सोफे पे बिठाने का क्या मतलब है, जो ही नीचे उतरो। इसके ना दांत नुकीले हैं राहुल, इतने नुकीले दांत ना ओला बब्बे के नहीं थे। हाँ ये देखो कैसी है यार, दांत तो तगड़े हैं, नुकीले नुकीले हैं इसके, मेरे तो पूरे बाजुओं पे स्क्रैच। जोई गेट डाउन, चलो उतर गई है, चल अब अगर मेरे पनीर पे हाथ मारा ना मैं तेरे को बहुत मारूंगी लड़की। ये कोई तरीका इधर आने का? इधर आ, ये देखना कहाँ चढ़ के खड़ी हो गई है। गाइस आप बताना आपकी डॉग्स भी कई बार ऐसे करते हैं, बहुत तगड़ी जंप मारी है इसने। ये देखो सोमरसॉल्ट कर रही है, क्या कर रही है ये सोमरसॉल्ट कर रही है। राहुल नीचे गिरेगी, बड़ी तगड़ी जोई, तू क्या कर रही है जिमनास्टिक्स, इसको चैंपियन बना दो राहुल, चैंपियन। देखिए वो गिरेगी नीचे, इसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ये मेरे साथ खेल, ये देखो नो, ये कैसे खेल है एक दूसरे को काटने के। अरे मुंह से तो फील करते हैं नो, इसकी बाकी बॉडी तो ब्राउन है, मुंह काला है। इसकी मां देखिए, तूने डांट दी है नंबर, मेरे को क्या करना है इसकी मां। ये पता है कितनी बड़ी होगी, है भालू पर, मेरा भालू 6 महीने का, 6 महीने की हो गई है। 9th मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 9 को हो जाएगी ना 6 महीने की, और 7 महीने की होगी, तो अब 6 की हो गई है, 6 की हो गई। ये देखो जंप पे कैसे मारती है, हे भगवान, ये आधी बॉडी मेरे पे, वो मुझे देख रही है, इसने अपना वो तुम्हारे हाथ पे रखा हुआ है ना, मिस्चीवियस है ये देख, ये देखो ये लड़की है इसलिए ऐसी है, अगर ये बॉय होती तो चुलबुली चुलबुली। इसमें का ये चावल और अंडे उबले हुए, अंडा अंडा और वाला। अच्छा चावल और डालो थोड़े, चावल नहीं खाते हैं, नहीं खाती है। किसके लिए है ये? चमेली के लिए, प्रेग्नेंट है ना, उसको प्रोटीन खाई मिलते। चलो करो फिर, ठीक करो उसको डाल के। नहीं ठीक है, वो कह रहे चावल ज्यादा नहीं खाती, वो अंडे ज्यादा। ठीक है चलो चमेली को डाल के, चमेली तो चमेली को, वो नहीं उस तरफ है देखिए ना, उस घर के पास चमेली ऐसे नहीं आएगी, तुम बुलाओगे तो एक मसाला जो ही आ गई है उसको ज्यादा पड़ी। चमेली कम चले जा, अरे वो आ गए, बच्चे भी आ गए यार, आज तो ट्रैफिक नहीं था। तो गाइस बच्चे भी आ गए हैं यहाँ पे, जोई को देखो उसको पता चल गया कि जे आ गया है ना, शिव जेजू घर आ गए। वो देखो जोई को देखो, राहुल जोई को देखो, इसको ना जे की पड़ी है सिर्फ, देखो सच सच। शिव पापा पास जाओ, कैसे हो मम्मा किशी, जाओ पापा पास जाओ, जोई कम लेके जाओ। हाँ नहीं बहुत आपको लालच है ना बहुत ज्यादा जे का, चलो घर जाओ। आ गए, हरा निकल दिया के। हाँ। रखे अंदर सोनू, कोई नहीं गंजे अपने घर आ गए। जे के तो जे के आते ही ना जोई की एक्साइटमेंट भी ना नेक्स्ट लेवल हो जाती है। आज गंजू हमारे साथ रहेगा, ओ गंजू, अरे गंजू गंजू शिबू कम गंजू जे, इसकी नजर पे टिक गई शिवाय, इतनी हिम्मत हो गई तेरी तो घर से भाग रहे, चल पापा पास बैठ, बड़ा शैतान हो गया। सोई जे आ गया, देखो जे के ना पास बैठ गए बिल्कुल गार्डिंग पोजीशन में, देखो बिल्कुल जे को गार्ड करने की पोजीशन में बैठ गई है ये। जे तू जान के उसके मुंह में हाथ दे रहा है ना, काटती है, क्या कर रहा है आपने, हैं जोई को आप टच कर रहे हो तंकर यार, ये तो बहुत ही वो होने लग गई है, इसको ना फैमिली के बीच में बैठना है। इसको है कि मुझे ना सेंटर टेबल पे बिठा दो। क्यों बिठाएं, क्यों बिठाएं, तू माता जी हमारी है, क्यों बिठाए तेरे को अम्मा,
देखो अम्मा, एक वो ऊपर अम्मा बैठी है हमारी ओला, है? है? आंटी आंटी चौकीदार माता। हाँ जी मम्मा। गिरेगी नीचे पगला है। हाँ दोनों आ गए। तू मेरी बाप। हाँ जी आ जाओ। चलो ठीक है। ओए, ओए, ओए। तो क्या करती है? इसका तो मुंह भी नहीं पकड़ में आ रहा। कल कोई बड़ी होगी मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगी इसको। तो अभी से ना थोड़ा कंट्रोल ले इसका। हाँ तेज मत बोल। रिलैक्स रिलैक्स। मने तेरे रीस से बाहर निकल जाएगी। निकली हुई है ऑलरेडी। बिगड़ा है लेस ये देखो। जे सॉरी को बोल दे वो नीचे उतर। अब बोल इसको तू गिर जाएगा। जोई मत बोल। वो खिलौना ले गई है। खिलौना ले लिया जे तेरा। अब ये खिलौना नहीं है, ऐसे भी दे रहा है। ये खिलौना अब धोना पड़ेगा। अब मैं इसको ना बर्तन के साबुन से धोता हूं। ये लो अरुण भैया दोनों की नजर वहां है कि ना मेरा खिलौना ले लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं होता बेटा। क्या हुआ? इतना उदास नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये देखो एक्सप्रेस क्यों हुआ? सेम अपनी माँ जैसे। क्यों हुआ? ओए होए ये ना मुझे लगता है मेलो ड्रामेटिक है, बहुत ज्यादा ड्रामेबाज। तू मूवीज में जाएगा क्या मेरे भाई? एक बार तो मुझे डांट। क्या हुआ मन्नी, तू पागल है क्या? जे तू पागल है क्या? है बोल खिलौना क्यों दिया तूने? है सिर्फ रंग का फर्क है। तू क्यों उधर खड़ा हुआ है ऊपर? कह रहे जोई जा। हाँ जोई ना भी शिवाय को तंग कर रही थी तो शिवाय कहते हैं जोई जा। बीच में कूदी मारी जा रही है। मैं अपना लैपटॉप हटा लूं यहाँ से। बिग बॉय हो गया। बिग बॉय। हाँ जी खिलाना कहाँ है आपका? जोई अब नीचे उतर जा तू बेटा, बहुत देर हो गई तेरे को। जोई को देखो कितनी बड़ी हो गई है कंपैरेटिवली ना। हाँ, जैसे छोटी लगती थी आई थी तो। मैंने पिक्चर डालूंगी इसके साथ ही, आप देखना। नहीं हाथ में मेरे जोई थे, एक हाथ में मेरे जे था। मन्नी अब देख कितनी फर्क आ गया। तुम ऐसे ना नजर मत लगाओ। मैं नहीं लगा रहा। चल मन्नी उनको खाना खिला देते हैं। खिलाया नहीं अभी तक। खाना खिला दिया। चला वॉक पे ले चलते हैं फिर। मेरी तो खुद की वॉक हुई पड़ी, मरी पड़ी। क्यों क्या हुआ? एक तो लेग्स करवाई, ऊपर से लेग्स किसने करवाई मेरे को? किसने? मास्टर राहुल कोहली। चला जा। गुरुजी ने करवाई। अच्छा चल। गुरुजी ने स्क्वाट करवाते करवाते ऐसी तैसी करा दी। गाइज मैं आपको बता दूं, आज लेग डे कराया राहुल ने। सन्नी सर तो फिर भी थोड़ा बहुत इजी और यू नो करा देते टाइम पास सर, लेकिन अगर राहुल के हत्ते चढ़ जाऊँ ना मैं किसी दिन जिम के मामले में, तो सन्नी सर ना सिर्फ 10 मिनट लेट आए थे जिम में तो राहुल ने अपने हत्ते चढ़ा लिया। ओए जोई जोई देखो अंदर घुस गई है। कोई नहीं हम तो जाएगी, ये ज्यादा से ज्यादा सोफे पे चढ़ के बैठ जाएगी। एनीवे तो मैं ये कहती जिस दिन सन्नी सर लेट हो जाए ना जिम पर मैं राहुल के हत्ते चढ़ जाऊँ, जो कि मेरे साथ आज हुआ, तो भैया वो तो ऐसी तैसी फेर देता है। ऐसे ऐसे स्क्वाट कराए ना इस लड़के ने मेरे से, मेरी तो टांगे दुख रही हैं बहुत जबरदस्त। अब हो गया रात, बच्चे जो है ना नानी के घर से आ गए थे आपको बता दिया था, अब दादी के घर चले गए हैं खेलने के लिए। अंदर जा रहे हैं ऑल ऑफ अब्दी पार्क में। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे। मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूं? मत बैठ, तू चमेली के ऊपर बैठ जा। मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूं? चमेली खाना खा लिया था आज, तेरे लिए चावल और अंडे थे बेटी। राहुल मेरे को तो इसकी चिंता हो गई है, मुझे इस तरह चिंता है बच्चों की हो गई है, क्योंकि वो कैसे सरवाइव करेंगे। आगे मुझे ठंड हो गई तो सुबह अंदर वापस 2 मिनट में अंदर आ गया। चल चल कर लिया होगा उसने, नहीं होगा आई होगी उससे। पूरा दिन तरसता रहता है बाहर निकलने के लिए। तरसती तो मैं भी करती हूँ बाहर निकलने के लिए, तुम ले जाते हो बब्बे। बब्बू बोलो पता है किसके लिए आया? चमेली के पास। बब्बू भी रहने दे, मैं आया ना तो इतनी जल्दी नहीं तेरी जल्दी। तो अबे घूम के तो आओ यार, अब रात को कोई भी नहीं है, जा घूम के आ जा, भाग जा जा, शुशु बॉडी कराओ अच्छे से। और तो चल रही है। ओए धक्का मारा तुमने उसको। क्यों? चुप कर, तरीका है तुम्हारा तरीका। चमेली तू मेरे पास मत था, वो तेरे पास आया था तेरे को खाने के लिए। बब्बा गुड़िया, ओ गुड़िया
तो गाइस मुझे नहीं लगता ये ना किसी स्ट्रे डॉग से प्रेग्नेंट हुई है। इसको प्रेग्नेंट करने वाला ना शायद वो जर्मन शेफर्ड्स हैं। वो तो इसके बच्चों की ना क्वालिटी देख के पता चल जाएगा कि प्योर इंडी ब्रीड है या फिर कुछ बीच में मिक्स है। तो अगर तो प्योर इंडी तो ये भी नहीं, इसमें भी जर्मन शेफर्ड के। जो चंपा प्रेग्नेंट हुई थी वो उसी से हुई थी, जर्मन शेफर्ड है भाई। हाँ बेसिकली शी इज अ जर्मन शेफर्ड। और इसके ना बाकी के जो भाई बहन थे ना सारे, मुझे ना जर्मन शेफर्ड से ज्यादा ना बेल्जियम मेलानॉइस लगती है। बेल्जियम मेलानॉइस होती है बिल्कुल सेम, मतलब कोई अगर ऐसे किसी को दे देगा ना बोलेगा बेल्जियम मेलानॉइस तो वो मान जाएगा। और भैया इसकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, टच इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और हाईली ट्रेनेबल है भाई। हां बहुत अच्छी है और ये लड़की बहुत अच्छी है। तो देखते हैं इसके बच्चे क्या निकलते हैं। अगर पक्के जर्मन शेफर्ड निकले तो वही है, लेकिन ना ये चीजों से ना मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि ना आप लोग अपने कुत्तों खुला छोड़ देते हो मेटिंग करने के लिए स्ट्रीट डॉग्स के साथ। तो ये बात गलत है। अच्छा हाँ बिल्कुल गलत है। हाँ। तो फिर ये जो कालू आया था वहां से घूमता हुआ, इसके लिए कालू स्ट्रीट डॉग है। अच्छा कालू। अच्छा पर यार मन नहीं, अभी बच्चे तो अच्छे निकलेंगे, अडॉप्ट भी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी। भगवान करे इसके बच्चे अच्छे से पैदा हो जाए, डिलीवरी वगैरह सब सही हो जाए, ये भी सबसे सही रहे। तो मैं ना नमितोलॉजी पे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे को पता है आप लोग ना स्ट्रे डॉग से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो और अडॉप्ट डोंट शॉप के बहुत सारे हमें कमेंट्स आते हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगी जो लोग इंटरेस्टेड हैं अडॉप्शन में ना, तो जब इसके बच्चे हों जो जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर वो लोग आगे आएंगे। और देखते हैं कितनी आती है रिक्वेस्ट। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात ना बहुत क्लियर बताता हूँ लेडी ऑली, मैं ज्यादा ही सच बोलूंगा क्योंकि व्लॉग्स में तो मैं सच बोल ही सकता हूँ, वैसे तो तुम मेरी बात शॉर्ट्स में सुनते नहीं हो, ठीक है। तो अभी लेडी ऑली का इंटरकोर्स हुआ है बब्जे के साथ, 3 दिन हुए 4 दिन हुए और मोस्ट प्रॉब्ली दिवाली के आसपास अगर वो प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो दिवाली के आसपास बच्चे हो जाएंगे। तो मैंने सबको यही बोला 2-3 व्लॉग्स के अंदर कि डेफिनेटली हम एक भी बच्चा नहीं रखेंगे, वी विल नॉट सेल एनी पप, और बेसिक वैक्सीनेशन के चार्जेस लेंगे आपसे, जो पहली वैक्सीनेशन हम कराएंगे, जो भी अच्छा घर होगा जो रख सकेगा।